हेलो फ्रेंड्स, आप जो ये सामने पौधा देख रहे हैं ये है पोइनसेथिया प्लांट, जिसे जनरली लोग आम बोलचाल की भाषा में पनसेथिया भी बोलते हैं, लेकिन इसका रियल नेम है पोइनसेथिया प्लांट। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग के आपके साथ शेयर करूँगी कि इसकी मिट्टी कैसे बनानी है और क्या इसके केयर हैं, क्या फर्टिलाइज़र देना है, इसमें कौन से इंसेक्ट का अटैक होता है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मुझे नर्सरी में 60 रुपीज़ में मिला है, जिसे मैं फर्स्ट टाइम अपने गार्डन में ऐड करने वाली हूँ। और ये दिखने में छोटा सा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी जो ये पत्तियाँ आप हरी हरी देख रहे हैं, यही पत्तियाँ जैसे जैसे ठंड का मौसम आता है ये कलरफुल हो जाती हैं। बहुत सारे कलर्स में ये आपको मिल जाएंगे, रेड, पिंक, येलो। जैसे कि चलिए मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये वही पौधा है, इसकी हाइब्रिड वेराइटीज़ भी आती है। देखिए ये डिफरेंट कलर्स में आपको मिल जाएगा। तो ये जो कलरफुल आप देख रहे हैं ये इसके फ्लावर नहीं होते हैं, एक्चुअली ये इसकी पत्तियां ही हैं जो कि ठंड के कारण धीरे धीरे इनका कलर चेंज हो जाता है और ये बिल्कुल फूल की तरह लगते हैं। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है ये, बहुत ही बहुत सेंसिटिव पौधा होता है ये। इसका केयर करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, थोड़ा सा अलग है। तो चलिए सबसे पहले इसकी मिट्टी बना लेते हैं कि इसे किस तरीके की मिट्टी पसंद है। तो दोस्तों, इसे बिल्कुल वेल्ड्रन मिट्टी चाहिए होती है। तो आप ये देख रहे हैं, ये सामने मेरे गार्डन का ही सॉइल है जिसमें मैंने एक पार्ट मिट्टी ली है और अब मैं इसमें एक पार्ट सैंड यूज़ कर रही हूँ। सैंड यूज़ करना ज़रूरी है ताकि मिट्टी पोरस हो सके, पानी बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो पौधे का जो रूट है वो ख़राब होने लगता है और फिर पौधा बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। मिट्टी को हल्का बनाना ज़रूरी है, इसलिए एक पार्ट मैंने इसमें कोकोपीट यूज़ किया है। राइस हस्क भी इसकी जगह यूज़ कीजिए, वो अच्छा होता है। और यहाँ एक पार्ट मैं फिर से कंपोस्ट का यूज़ कर रही हूँ। ये काउडंग कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोड कंपोस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। थोड़ी सी मैंने इसमें चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल किया है, ये मेरे किचन की चाय पत्ती है जिसे मैंने अच्छे से धो कर के सुखा लिया है। इसकी जो मैं मिट्टी बना रही हूँ ये फुल न्यूट्रिशन रिच है, ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन है। इसमें प्लांट्स की पत्तियों और रूट की अच्छी ग्रोथ के लिए मैंने यहाँ DAP का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और थोड़ी सी आपको इसमें बोन मील हो तो बोन मील भी ऐड कर लीजिएगा, वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, स्लो रिलीज पर फर्टिलाइज़र है, जिससे कि पौधे की जो पत्तियों का जो चमक होता है वो बना रहता है। और साथ ही साथ इसमें नीम की खली भी ले लेनी है, ताकि नीम खली जो है वो फंगस से बचाता है, मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए और पौधों की अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये जो मैं मिट्टी आपको बता रही हूँ ये इस पौधे के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही साथ आप इसमें कोई भी विंटर प्लांट, समर प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट लगा सकते हैं। देखिए इसमें साफ फंगिसाइड का मैंने यूज़ किया है, जो भी फंगिसाइड हो वो ऐड कर लेनी है क्योंकि इस पौधे में फंगस बहुत जल्दी लग जाता है और अगर मिट्टी में किसी तरीके का फंगस होगा तो इस फंगिसाइड के इस्तेमाल से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फंगिसाइड का यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे स्किप करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी, आप इसे स्किप मत कीजिएगा। अब चलिए मिट्टी बनाते बनाते मैं इसके थोड़े केयर टिप्स के बारे में आपसे बातें कर लेती हूँ, यानी कि मिट्टी इसकी काफ़ी पोरस होनी चाहिए। अब बात करते हैं पानी की। तो इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, मिट्टी सूखने पे ही इसे पानी दें ताकि, और पानी डालते ही वो ड्रेन आउट हो जाना चाहिए और इस गीली मिट्टी में ना रखें क्योंकि इसमें फंगस जल्दी लगता है। अब बात करते हैं सनलाइट की।
तो दोस्तों इसे छनी हुई धूप चाहिए होती है। सर्दियों की धूप काफ़ी मीठी होती है, तो जिसके कारण ये सर्दियों में बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। लेकिन समर के सीज़न में आप इसे शेड में रखें, इसे बहुत तेज़ सनलाइट नहीं चाहिए, नहीं तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा। अगर छोटा पौधा है तो वो और जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर पौधा बड़ा हो गया है तो उसे सनलाइट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसे सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। दोस्तों मान लीजिए अगर आप नर्सरी से ये पौधा लेके आते हैं और उसमें फूल खिले हुए हैं, तो उस कंडीशन में उसे रिपोर्ट ना करें, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जब ये पौधे के फूल झड़ जाते हैं तब इसे रिपोर्ट कीजिए, वरना उसे तुरंत रिपोर्ट कर देने पे उसके फूल सॉक में चले जाते हैं और वो बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। तो उसके फूलों के हटने का इंतज़ार करना है, जब फूल हट जाएँ तब आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो दोस्तों इसकी जो कलरफुल पत्तियां हैं वो दिसंबर से आनी शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे पत्तियों का रंग बदलने लगता है और फिर ये लगभग मार्च तक चलता है। मार्च के बाद फिर से अप्रैल का जब महीना आता है तो इस पौधे की पत्तियां हैं वो बढ़ती हैं, ग्रोथ रहता है पौधे में, लेकिन पत्तियों का रंग जो है वो हरा होना शुरू हो जाता है। यानी कि इसकी जो कलरफुल पत्तियां हैं अब अपना रंग धीरे धीरे खोने लगती हैं और ये बाकी पौधे की तरह हरे रंग की हो जाती हैं। तो अप्रैल के महीने में आप इसे सेडी एरिया में रख दीजिए, जहाँ इसे छनी हुई धूप मिले, डायरेक्ट सनलाइट ना रहे, नहीं तो इसकी पत्तियाँ झड़नी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे सारी पत्तियाँ झड़ जाएंगी और पौधा सूख जाएगा। और साथ ही साथ गर्मियों में इसकी जो सॉइल है वो मॉइस्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहे और बहुत कम पानी भी ना हो। सॉइल में मॉइस्चर जरूरी है रहना, तो पानी थोड़ा सा मेंटेन करके देना पड़ेगा। कटिंग से इस पौधे को बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है, लेकिन इसकी कटिंग मानसून में लगाइए, बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। और साथ ही साथ जनरली लोग इसे सितंबर अक्टूबर में ये नर्सरी में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा और उसी टाइम आप इसे नर्सरी से लेकर के लगा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी सितंबर के मंथ में इसे अपने गार्डन में ऐड कर रही हूँ और इसके रिपोर्ट का जो मैंने अभी ये तरीका बताया है वो देखिए, कैसे दो फिंगर के बीच में मैंने फंसा करके इस पौधे को ग्रो बैग से बाहर निकाला है, जिससे कि इसके रूट्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, वरना पौधा सॉक में जा सकता है। तो कोई भी प्लांट आप ऐसे ही दो फिंगर के बीच में फंसा करके और आराम से ग्रो बैग से बाहर निकाल सकते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक परमानेंट पौधा है और ये सर्दियों में इसमें फूल दिखने शुरू होते हैं। तो इसे फर्टिलाइज़र की अब बात करें तो इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही सितंबर अक्टूबर का महीना आता है तो उस समय आप इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट कोई भी हो, नीम की खली और थोड़ा सा बोन मिल और फंगिसाइड ऐड करके इसमें एक बार सितंबर अक्टूबर में दे दीजिए और फिर ये इसमें आपको सर्दियों में फूल दिखेंगे। और फिर उसके बाद आपको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मार्च अप्रैल में आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए, आपका काम चलता रहेगा। दोस्तों पौधा लगाने के बाद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, हर पौधे के साथ आप कीजिए, कि उसमें जो पानी हम देते हैं उसमें थोड़ा सा फंगिसाइड ज़रूर ऐड कर दीजिए, क्योंकि अगर मिट्टी में किसी तरीके का फंगस रह गया होगा तो वो इस फंगिसाइड वाले पानी के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगा और पौधे के ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दोस्तों इसमें इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है और इंसेक्ट में ज़्यादातर इसमें मिलीबग का अटैक हो जाता है और साथ ही साथ इसमें फंगस भी बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो मिलीबग से बचने के लिए आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे हर 10 दिन पे करते रहिए, या फिर जब मिलीबग बहुत ज़्यादा लग जाए तो आप किसी तरीके के इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। और फंगस से बचने के लिए हर 10 से 15 दिन पे आप इसमें फंगिसाइड का भी स्प्रे करते रहिए, पानी में इसकी मिट्टी में फंगिसाइड डालते रहिए। मिट्टी में जल ज़्यादा पानी के कारण इसमें फंगस लग जाता है, तो फंगिसाइड का जैसे मैंने अभी ऐसे दिखाया है पानी में डालना है, तो इसी तरीके से आप इसकी मिट्टी में देते रहिए, ये पौधा सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। तो दोस्तों मैंने इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।